दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती चल रही है। भर्ती क्या 17 तारीख और 18 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था, चार शिफ्टों में। आपको पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गई है एग्जाम, कि कुछ अभ्यर्थी इस कन्फ्यूजन में कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं सर, जैसे है वैसे ही चलने दीजिए। आपको जो एक स्मार्ट एक अभ्यर्थी होता है वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता है, वो अपने नेक्स्ट स्टेप जो आपका उठाने वाला है, जो आपको अब नेक्स्ट क्या होने वाला उस पे फोकस करते हैं। वाई देवे, अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि भाई ये एग्जाम फेयर एंड बिल्कुल फेयर था, आपको इसमें कुछ भी इंटरफेयर अब सरकार नहीं करने वाली है, और आपको सडनली आपको बता दिया जाए कि आपकी 24 मिनट में 4800 मीटर आपकी रनिंग होने वाली है, नहीं कर पाओगे। इसलिए अब जो आपका फोकस होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए फिजिकल के ऊपर, आपकी रनिंग के ऊपर, क्योंकि जो सरकार को स्टेप लेने वाले हैं, जो जरूरी है, जो नेसेसरी है, वो सरकार लेगी, वो क्योंकि उनका दायित्व है। और हम सब की रक्षा सुरक्षा, हमारे जो संविधान में राइट दिए गए हैं, उनका जो है वो सरकार हमारे लिए करेगी, उतना करेगी क्योंकि हमने उनको चुन के भेजा है। तो आप अपनी सरकार पर विश्वास रखिएगा, जो भी करेगा आपके फेवर में करेगा, लेकिन आपका जो कर्तव्य बनता है वो बनता है रनिंग को लेकर, क्योंकि 4800 मीटर की रनिंग जब तक आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। तो अभी से आप स्टार्ट कर लीजिएगा कि आपकी रनिंग कब होगी, कैसे होगी, वो सब कुछ आपको पता है। रनिंग डिले हो सकती है, थोड़ी डिले हो सकती है, क्योंकि इस भर्ती को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, मार्केट में चल रही हैं, न्यूज़पेपर में चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और आज के पब्लिक डोमेन में आपको पता है कि आपने कितना स्कोर किया है। जो एग्ज़ाम आप पेपर दे के आए हैं तो आपको पता है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप कितना पाए हैं, कितना आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब एक कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है। तो अब जो आपको स्टेप उठाना है वो रनिंग को लेकर उठाना है। आप मॉर्निंग अगर गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, तो जिसके पास जितनी फैसिलिटी है उसको यूज करते हुए अब आपको अपनी तैयारी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, अगर भर्ती आप अपना एक पोस्ट सिक्योर करना चाहते हैं तो अब रनिंग पर फोकस करना होगा। 24 मिनट में 4800 मीटर और एक गोल मतलब 12 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, और भर्ती अगर क्लियर करनी है ना, तो अब पीछे मुड़कर मत देखिएगा कि अब इस भर्ती में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जो भी होगा मिल जाएगा, आपके सामने परोस दिया जाएगा, और आप इसमें क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया है, जो एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, जो उसके पीछे लगे हैं, जो देख रहे हैं इसकी, वो सब लगे हुए, आप इस लपड़े में मत पड़िएगा। आपका जो काम है वो आप करिएगा, आपने रिटन एग्जाम अच्छे से दिया है, आपने तैयारी की है, अब आपके पास जो सेकंड स्टेज है, स्टेप है उठाना है, वो फिजिकल को लेकर उठाना है। तो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिएगा, जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे, कभी भी भर्ती के लिए कॉल आ जाए कि भाई आपका फिजिकल तब से है, आप जाइएगा और रनिंग कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में आप हड़बड़ी में वो भी ना कर पाएँ और आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे, क्योंकि अब आपके पास कुछ नहीं है, आपको भर्ती क्लियर करनी है। तो एक रूटीन टाइम बना लीजिएगा, अगर आप बिलोंग करते हैं गांव से, तो 4:30-5 बजे के आसपास आपका डेली रूटीन है, आप इतनी सर्दी भी नहीं हो रही है, तो आप इजीली अपनी जो रनिंग है वो कर सकते हैं। 1.5-2 किलोमीटर जाइएगा, 1.5-2 किलोमीटर आइएगा, मतलब 4-4.5 किलोमीटर आप अभी से स्टार्ट करेंगे, तो 1-2 किलोमीटर जो बाद वाली है वो आप खींच लेंगे, और लास्ट में जब आपको पता चल जाएगा कि हमारे 5 से 10 दिन बचे हैं या 15 दिन बचे हैं, तो आपको अगर मान लीजिएगा 5 किलोमीटर की रनिंग है या 4800 मीटर की रनिंग है, तो वहाँ पर आपको 5800 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी। मतलब 5 किलोमीटर की अगर रनिंग है तो 1 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा मार सकते हैं, मतलब 6 किलोमीटर के आप कर सकते हैं, कि वहां पर जाकर अपना स्टेमिना एक बनाना है। साथ ही साथ आपको पुशअप भी लगाने, सिटअप भी लगाने हैं, उठक बैठक भी लगानी है, अपने आप को वेल मेंटेन करके रखना है। ये इवन यही नहीं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप CAPF की बात कर लें या आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी की तैयारी करें, अपने आप को फिजिकली फिट रखना तो आपका उत्तरदायित्व बनता है। तो सबको हम एक तरफ रखिएगा, अपने सेहत को लेकर हेल्थी रहना है, अपने सेहत को लेकर चिंतित रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो पूंजी है हमारे पास यही है। पेपर आपने दे लिया है, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो आंसर की है वो डिले हो सकती है, लेकिन आपके पास पब्लिक डोमेन में सब कुछ है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितना कुछ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने आप को एसेस कीजिएगा कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं और क्या मैं इसको फाइट कर सकता हूं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, रनिंग कीजिएगा मेरे भाई। मैं आपको यही बोलने आया हूं कि आपको एक ग्रुप बना लीजिएगा, अगर ग्रुप में भी नहीं आता, कोई आपके साथ नहीं आता, तो सिंगल ही दौड़ने चले जाइएगा, लेकिन अपनी रनिंग पर आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कॉन्फिडेंट रहिएगा कि ये नहीं होगा तो अगली में होगा, लेकिन कोई भी एक पार्ट जो है
खाली नहीं छोड़ना कि लास्ट टाइम में हमें कोई दिक्कत आए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।